संडे स्पेशल में आज बनने वाला है पिज्जा। बच्चे बड़े बूढ़े जवान हर किसी को पिज्जा पसंद होता है। जैसे इडली डोसा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया है, वैसे ही इटली का पिज्जा हमारे देश में भी बहुत पॉपुलर है। तो आज संडे की शुरुआत करते हैं होममेड पिज्जा के साथ। सो डिलीशियस, सो यमी एंड सो इजी टू मेक। और हाँ फ्रेंड्स, क्या आपको भी पिज्जा पसंद है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दो लाल लाल टमाटर को मिक्सी में प्यूरी कर लिया है। पैन में आधा चम्मच तेल डालकर प्यूरी डाल दीजिए। उसमें नमक, काली मिर्च और टमाटो केचप डाल दीजिए और इसको पका लीजिए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप इस पिज्जा सॉस में ज्यादा स्पाइस भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब लीजिए पिज्जा चीज और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। होममेड पिज्जा की सबसे अच्छी बात है कि आप अपने हिसाब से चीज ज्यादा या कम कर सकते हैं। चीज हमारा घिस गया है और टमाटो प्यूरी भी गाढ़ी होती जा रही है। देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे भी बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम लेंगे पिज्जा बेस। हमने आटे वाले पिज्जा बेस लिए हैं। इसके ऊपर लगा देंगे पिज्जा सॉस। घर के बने हुए पिज्जा सॉस में जो फ्रेशनेस होती है उसकी बात ही कुछ और है। अब इस पे डाल दीजिए ढेर सारा चीज। भाई चीज के बिना पिज्जा थोड़ा ना होता है। अब आप इस पे लगा दीजिए अपनी पसंद की वेजीज। आप इसमें अपनी पसंद की मशरूम, कॉर्न, एलोपिनो, ऑलिव्स कुछ भी लगा सकते हैं। और अब इसके ऊपर बुरक दीजिए मिक्स्ड हर्ब्स। इससे ये पिज्जा बहुत ही डिलीशियस बन जाता है। आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए अवन में बेक कर लेंगे और डिलीशियस एंड यमी पिज्जा एकदम तैयार है। तो क्या कहते हो, संडे की शुरुआत हुई ना ऑसम awesome?